दोस्तों माता पिता दो ऐसे इंसान होते हैं कि बच्चा चाहे कितना भी नालायक क्यों ना हो, वो हमेशा उनको अच्छा लगता है। हमेशा चाहे कोई भी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में क्यों ना हो, वो हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हुए मिलेंगे। और यही दो ऐसे इंसान होते हैं जो कि हमेशा चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा कामयाब हो जाएं। यही बात करते हैं आज फादर्स डे के बारे में। फादर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो आप लोगों को ये नहीं बताते हैं कि आप लोगों को कैसे लाइफ जीनी है, यानी कि किस तरीके से आप लोगों की लाइफ होनी चाहिए। वो अपनी लाइफ जीते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि मुझे देखो और उससे सीखो कि आप लोग क्या सीख सकते हैं। हमेशा एक पेरेंट जो भी होंगे वो हमेशा अपने बच्चों को सही शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। वो एक अलग बात है कि बच्चे जो हैं अलग संगत गलत संगत में पढ़कर कुछ गलत ऐसी आदतें डाल लेते हैं जिसकी वजह से कई बार लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। पर लेकिन पेरेंट्स कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी भी गलत आदत का शिकार बने। तो इसी के चलते देखिए आप लोगों का भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिन्होंने आप लोगों को इस दुनिया में लेकर आए हैं, जो आप लोगों की लाइफ बना रहे हैं, हमेशा हर सिचुएशन हर कंडीशन में आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो आप लोगों को भी उनके बुढ़ापे में उनके साथ रहना है। जिस तरीके से आप लोगों का जो स्टार्टिंग का फेज था उन्होंने उंगली पकड़कर आप लोगों को चलना सिखाया, अब आप लोगों को उनका सहारा बनना है जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जब उनको आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोशिश करो कि जिस तरीके से आप लोगों को पाला गया उनके द्वारा, इसी तरीके से आप भी इसी तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ उनकी जब उनका बुढ़ापा आ जाता है। तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस नैनो मैगजीन के सेक्शन में, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो कि आप लोग काफी फायदा पहुंचाने वाले हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर इंपोर्टेंट डे के बारे में। आज का जो इंपोर्टेंट डे यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? बेसिकली अगर आप लोगों का कोई घर परिवार का किसी विदेश में जाकर रह रहा है, वहां से वो जो पैसे फैमिली के लिए भेजता है उसको आप लोग बेसिकली रेमिटेंस बोल सकते हैं। तो रेमिटेंस जो है ये गांव में खासकर दूर दराज वाले एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में जाकर रह रहे हैं। हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग रह रहे होंगे जो हमारी कंट्री से पैसा कमाकर अपनी कंट्री में वापस भेजते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग एरिया में अपने एरिया को डेवलप करने के लिए बेसिकली अपनी फैमिली के पास से पैसा भेजते हैं। अब उनकी फैमिली अच्छे से रहे उनके माइंड में ये रहता है, इसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर जो गरीबी है और भुखमरी है वो भी कम होती नजर आती है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया, 16 जून को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये यहां पर एक तरीके का कंपेन भी चला रखा है जिसको बोल रहे हैं फैमिली रेमिटेंस 2030। देखिए आप लोगों को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें एक तरीके से पॉवर्टी को भी मिटाना, भुखमरी को मिटाना, ये भी एक गोल है वहां पर। तो ये जो है उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है ये जो यहां पर डे है। तो उसी के चलते यहां पर अवेयरनेस फैलाने की बात की जा रही है किस तरीके से इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि अलग अलग कंट्री से आके लोग यहां पर काम करें और फिर अपने घर वापसी पैसा भेजें। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये कस्टोडियन है IDFR, ठीक है। तो ये दोनों भी यहां पर कनेक्टेड है, इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली एंड रिमिटेंस। तो इसके बारे में ये कुछ बातें हैं। ये कंपेन इससे रिलेटेड है, फैमिली रेमिटेंस 2013 ये कंपेन है, जो ये है किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ओके आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। क्विज है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताया जाएगा, पहले आप लोग यहाँ पर इसको अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले बात की जा रही है किसके बारे में, ये फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके द्वारा भी रोड मैप लाने की तैयार की गई है हमारी कंट्री में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। तो आप लोगों को ये बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में बेसिकली ये काम हो रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात कर रहा है फूड सेफ्टी के बारे में सिटीजन के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि ये अभी रिसेंटली एक इंडेक्स तैयार करने की बात की गई है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडेक्स तैयार करेगी, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, यानी कि किस तरीके से फूड को सेफ रख सकते हैं और कई सारे पैरामीटर हैं यहाँ पर जो फॉलो इसके द्वारा किए जाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे हम लोग को इसको सेफ रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होता है सेक्रेटरिएट का वो कौन होता है, इसको एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी बोला जाता है, जो हमारा सिविल सर्विस बोर्ड होता है। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी पोस्ट पर आप लोग पहुंचिए तो उस पोस्ट की वजह से आप लोग कोई दूसरी पोस्ट भी मिल जाए तो उसको एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोलते हैं। जैसे वाइस प्रेसिडेंट को आप लोग बोल सकते हैं, राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है उसे उसको इनडायरेक्ट वे में वो पोस्ट मिल जाती है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कौन है यहां पर ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है 2005 में आया मनरेगा, तो जो यहाँ पर ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ये अब तक इंसानों के लिए यूज होती थी, फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसको लंगूर के लिए यूज किया गया है। तो किस एरिया में इसको लंगूर के लिए यूज किया गया है आप लोगों को ये बताना है, यानी कि राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर नामेरी नेशनल पार्क ये कहाँ पर पड़ता है ये आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे ये जो है आप लोगों को कब देखने को मिलता है ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि आज के डे में सोसाइटी में काफी लार्ज स्केल पर जो बुजुर्ग हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी जो फंक्शन करता है ये डायरेक्टली किसके अंडर में आता है हमारी कंट्री में ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर बताऊंगा मैच करके नीचे
कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूला कीजिए, जरा सा टाइम लगता है इसको करने में, पर लेकिन आप लोग एक्टिवली अगर चीजों को करेंगे तो आप लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। पैसिव जोन में नहीं जाना है, बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ही होती है, आप लोग बैठ के बस सुनते रहते हैं, वो आप लोग थोड़ी देर बाद ही भूल जाएंगे। और अगर नहीं यकीन आ रहा है तो वीडियो को रोक के कल का लेक्चर याद करके देखो कल क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत कम चीजें याद आएंगी, क्योंकि रिविजन नहीं करेंगे तो भैया सब कुछ उड़ जाएगा, तो इसको उड़ने से बचाना है। आइए आंसर्स के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, तो यूनियन मिनिस्टर जो कंज्यूमर अफेयर है यहाँ पर ये बेसिकली काम कर रही है कैसे फूड सेफ, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसको ढंग से सही डायरेक्शन दी जाए। नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये नया इंडेक्स लेकर आ रहा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये इंडेक्स रहेगा कैसे फूड को हम लोग सेफ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो पर्सनैलिटी जो कि सेक्रेटरिएट के हेड होते हैं और एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी होते हैं यहाँ पर सिविल सर्विस बोर्ड के। 2005 में जो यहाँ पर MGNERGA मनरेगा जो यहाँ पर आया था उसके बारे में बात की जा रही है। आसाम के अंदर में ये बनगोई यहाँ पर है बनगई गांव, तो इसके अंदर में यहाँ पर ये गोल्डन लंगूर को ये फायदा पहुंचाने के लिए इस स्कीम का यूज किया गया है। नामेरी नेशनल पार्क आप लोगों को ये सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट आसाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे की अगर बात की जाए 15 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्टली फंक्शन करता है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे इनके आंसर भी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले चार प्रेसिडेंट आप लोगों से पूछे गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सबसे पहले थे यहाँ पर WC बनर्जी, ये 1885 में बने जिस टाइम पर नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनाई गई थी 1885 में उस टाइम पर ये देखने को मिला, तो ये कहां पर हुई कॉन्फ्रेंस बेसिकली ये बॉम्बे में देखने को मिली। नेक्स्ट बात की जा रही है दादा भाई नौरोजी जी के बारे में, ये 1886 यानी कि नेक्स्ट ईयर देखने को मिला कोलकाता अधिवेशन। यहाँ पर बात की जा रही है बद्रुद्दीन तैब जी, ये यहाँ पर 1887 यानी कि नेक्स्ट ईयर फिर देखने को मिला मद्रास के अंदर। फिर बात की जा रही है यहाँ पर जॉर्ज एल के बारे में 1888 ये अलाहाबाद के अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं बेसिकली अगर ढंग से देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया लगभग यहाँ पर घूमा गया ये चार जो कैटेगरी है, और अलग अलग ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, रिलीजन भी कई सारे यहाँ पर डिफरेंट आप लोगों को नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है फूड कॉरपोरेशन के बारे में पूछा गया था, ये 1965 में इनिशिएट किया गया था हेडक्वार्टर चेन्नई में और बाद में मूव कर दिया गया न्यू दिल्ली में, फाउंड किया गया था 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर ये आज की डेट में जो चेयरमैन और MD है यहाँ पर ये है DV प्रसाद जो कि एक IAS भी है, ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में था। आइए बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। सबसे पहली जो न्यूज है यहाँ पर ये एक कार की बात की जा रही है जो आने वाले टाइम में आसमान में उड़ती नजर आएगी, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे ड्रोन वगैरह, तो उसी के पैटर्न पर यहाँ पर बनाई गई है ये नई टैक्सी या फिर कार आप लोग इसको बोल सकते हैं या फिर ड्रोन बोल सकते हैं। इसका जो नाम रखा गया है वो स्काइस का नाम रखा गया है, प्रोनाउंस इसको आप लोग SKY करते हैं। ये लॉस एंजलिस यानी कि USA में अभी इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, और इंटरेस्टिंग बात क्या है ये हाइड्रोजन के द्वारा पावर्ड की जाएगी। अगर देखें तो 5 सीटर देखने को मिलेगी, लगभग 644 किलोमीटर चलने वाली है और 454 किलोग्राम का वेट लेकर यहाँ पर ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकती है। वर्टिकली उड़ेगी, ऐसी की ऐसी उठेगी और ऐसी की ऐसी जाकर नीचे रखी जाएगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले रन पे दौड़ेगी और उसके बाद में चलेगी। इसके जो ये इस तरीके जो इस पे चक्री ये लगी हुई है यहाँ पर ये 6 इस तरीके यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो इसको हेल्प करेंगे वर्टिकली उड़ने के लिए। ये एक तरीका प्रोटोटाइप है जो कि यहाँ पर इसी तरीके से बोइंग और एयरबस के द्वारा भी यहाँ पर अभी सक्सेसफुली इसी साल टेस्ट यहाँ पर किया गया था, अब यहाँ पर इनके द्वारा भी ये टेस्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है, नॉर्मली जो दूसरे इस तरीके जो व्हीकल बनाए गए हैं उनमें बैटरी यूज करते हैं जो कि बैटरी से पावर है, वो जो बैटरी है वो काफी वेट उनके अंदर डाल देती है, इसी की वजह से ये यहाँ पर हल्का है क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को टैक्सी ढूंढने के लिए जमीन की तरफ को नहीं देखना पड़े, आसमान की तरफ को आप लोग देखें आसानी से, और कोई भी रास्ते में जो जाम वगैरह है वो भी आप लोग क्लियर कर आसानी से चले जाएं। तो फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी है वो काफी शानदार एक नजारा क्रिएट कर रही है जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, तो हमारे और पुर्तगाल के रिलेशन की बात की जा रही है। पहले आप लोग एक बार मैप में निहाल लीजिए कहाँ पर है बेसिकली पुर्तगाल, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ से आप लोग आएंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पुर्तगाल या पोर्चुगल आप लोग इसको बोल सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए, काफी लंबे समय तक हमारे ऊपर रूल किया गया इवन आजादी के बाद भी, खासकर गोवा वाले रीजन की अगर आप लोग बात करें तो। अभी क्यों न्यूज में है, इंडिया और पोर्चुगल यहाँ पर मिलकर काम करने वाले हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बनाने के लिए। कहां पर बनाया जा रहा है ये म्यूजियम, ये लोथल गुजरात के अंदर यहाँ पर बनाया जा रहा है। फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया है यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मार्च में रखा गया था, इस
इसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट किया जाएगा यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, इसका जो सागरमाला प्रोजेक्ट है उसके थ्रू यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यहाँ पर इन्वॉल्व रहने वाला है। आप लोग एक बार समझ लीजिए सागरमाला प्रोजेक्ट थोड़ा सा। सागरमाला प्रोजेक्ट बेसिकली हमारी कंट्री में जो पोर्ट है उनको कनेक्ट करने की बात की जा रही है डायरेक्टली, ताकि यहाँ पर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिले, और किस तरीके से यहाँ पर इंटरनल भी यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो अच्छे से बढ़ाई जा सके, किसी भी पोर्ट के पास में आसानी से जल्दी सामान पहुंचाया जा सके, बेसिकली ये इसका पर्पज रहता है। 2015 में ये लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में ये आता है, और आज भी ये मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी जी के अंडर में। ये जो है खासकर हमारी कंट्री में ये इस तरीके से अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ में व्यापार में भी काफी फायदा पहुंचाता है। जो लोथल की बात की जा रही है, ये पुरानी एंशिएंट सिटी है, आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल का नाम जरूर सुना होगा, तो वहां से आप लोग इसको कनेक्ट देख सकते हैं। तो इसीलिए जो इसको इंप्लीमेंट करने का काम किया जा रहा है, तो ये यहाँ पर ये किसके द्वारा मिलकर किया जा रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसी के साथ में इंडियन नेवी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग सारे मिलकर यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक म्यूजियम की तरीके से भी डेवलप करने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जो रिच एंड डाइवर्स जो मैरीटाइम हेरिटेज है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इसी तरीके से शिप्स और जो ट्रेवल्स है और जो बॉडीज है वाटर की वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। हमारी कंट्री की जो एंशिएंट शिपिंग जो नेविगेशन टेक्नोलॉजी है वो भी डेवलप की गई है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लोथल इंडस वैली साइट भी है, ओल्डेस्ट मैन मेड डॉक यार्ड भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ में ऋग्वेद और जो पुरानिक टेक्स्ट हैं उनमें भी आप लोगों के यहाँ पर जो रेफरेंस रहता है हमारी कंट्री की नेवल और कमर्शियल एक्सपेडिशन का, वो आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि हमारी कंट्री आज ही नहीं कि यहाँ पर आप लोगों को ये नेवल चीजें देखने को मिलती है, पुराने टाइम में भी यहाँ पर हमारी कंट्री से जो माल यहाँ का जो खासकर माल बेचा जाता था यहाँ से ले जाकर, वो पुराने टाइम में भी हमारे द्वारा ये काम किया जाता था। तो ऐसा नहीं है, आज ही ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो पहले से ही आप लोगों ने सुना होगा हिस्ट्री में भी, जब हम लोग बात करते थे मेसोपोटामिया के साथ में हमारे व्यापार हुआ करते थे, आप लोगों ने हिस्ट्री में ये सारे पॉइंट पढ़े होंगे, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा चलिए, जब हिस्ट्री की बात चली रही है तो थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर नजर आ लेते हैं। अगर वेद की बात की जा रही है तो हमारी कंट्री में आप लोगों को चार वेद देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है इन सब में से सबसे पुराना, सबसे ओल्ड जो वेद है यहाँ पर वो किसको बोला जाता है, यानी कि ओल्डेस्ट वेद इनमें से कौन सा है चारों वेद में से, ये आप लोग बताइए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर राज्य की न्यूज के बारे में, काफी इंपोर्टेंट न्यूज है और हिस्ट्री से भी यहाँ पर कनेक्टेड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश में एक सारनाथ साइट है यहाँ पर जिसका नाम है चोखंडी स्तूपा, इसको यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दे दिया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, यानी कि ये अब इसको इंपोर्टेंस दिया जा रहा है, अब इसमें आगे चलने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये ईंट से बनाया गया है बेसिकली, और ये ऑक्टागनल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें इस तरीके से आप लोगों को जो बात की जा रही है ये आप लोगों को इसमें आठ दीवारें देखने को मिलेगी, ऑक्टागनल एक तरीके से आठ दीवारें आप लोगों को इसमें देखने को मिलने वाली है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्टागनल जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, यानी कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। यहाँ पर कई सारे इमेज जो स्टेचू है वो बुद्धिज्म ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड यहाँ पर पाए गए थे, जो कि देखने को मिलती है और याद दिलाती है खासकर गुप्ता पीरियड के टाइम की। चोखंडी जो स्तूप है यहाँ पर ओरिजिनली ये एक तरीके से जो कंस्ट्रक्ट की गई थी गुप्ता पीरियड, ये 4th to 6th century में माना जाता है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, और ये जो है यहाँ पर गोवर्धन द सन ऑफ जो यहाँ पर राजा टोडरमल के थे उनके द्वारा यहाँ पर इसको शेप दी गई थी। ये जो है यहाँ पर बिल्ट की गई थी यादगार एक तरीके से हुमायूं के जो विजिट हुई थी उस टाइम पर उसकी याद में यहाँ पर ये एक ऑक्टागनल स्ट्रक्चर बनाई गई थी। हुमायूं वही इंसान है जिनको आप लोग अकबर के पिताश्री बोलते हैं। चोखंडी जो स्तूपा है यहाँ पर ये लॉर्ड बुद्धा से आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक तरीके से ये माना जाता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट डिसाइपल अपना चेला था जब वो बोध गया टू सारनाथ पहुंच रहे थे तो सबसे पहले यहाँ पर चोखंडी स्तूपा पे मिले थे, तो इसलिए भी इसके बारे में हल्का सा आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में तो अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा यहाँ पर इसको फाउंड किया गया था अंग्रेजों के टाइम में 1861 में, तो काफी पुराना आप लोग इसको एक तरीके से हमारी कंट्री का ऑफिस बोल सकते हैं, और इसी के साथ में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नेंस के अंडर में ये आता है। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, सॉरी। ठीक है, तो इसी के साथ में अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो आज के डेट में जो यहाँ पर मिनिस्टर हैं ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जो रिसेंटली अभी इनके पास स्टेडियम इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। ओके, और हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं टूरिज्म बढ़ाने का भी काम करेगा और ये टूरिस्ट मिनिस्टर भी है, तो दोनों मिनिस्ट्री इन्हीं के पास में, आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर न्यूज है।
ये यहाँ पर बैन करने की बात की जा रही है नॉन इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जो रहते हैं, थ्री व्हीलर आप लोगों ने कई बार देखा होंगे, कई बार उनमें यात्रा भी की होगी, तो उसी को बैन करने की बात की जा रही है जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते हैं 2023 तक, और टू व्हीलर को बात की जा रही है यहाँ पर 2025 तक। तो कहने का मतलब ये इन्वायरमेंट पर ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ताकि यहाँ पर ये सारी चीजें जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। और ये जो स्टेप यहाँ पर इनके द्वारा उठाया गया है, ये नीति आयोग के साथ में कंसल्ट करके और जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ में कंसल्ट करके बोला गया है कि 2023 और 25 तक ये दोनों को बंद कर दिया जाएगा। पर SIAM ये है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल एंड एसोसिएशन, इसके द्वारा बोला गया कि ये आप लोगों का प्रैक्टिकल स्टेप नहीं है, इस तरीके स्टेप आप लोग नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारी कंट्री आज की डेट में काफी बड़ी वर्ल्ड में ये यहां पर इंडस्ट्री है थ्री व्हीलर की। आप लोग इस तरीके से सबसे बड़ी बात तो आप लोग इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, और आप लोग जो इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं ये BS6 स्टैंडर्ड जो यहाँ पर, जिसकी बेस पर यहाँ पर फ्यूल की जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ेगा और इन्वायरमेंट को नुकसान कब पहुंचेगा, पर लेकिन टाइम जो अभी कम टाइम बचा है उसके फ्रेमवर्क में आप लोग अगर इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो लगभग यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि पहले आप लोग देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में बोलिए कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारी कंट्री में कैसे आप लोगों को लेकर आने हैं और कितना फायदा ये पहुंचाने वाले हैं, और अगर ऐसा फायदा नहीं हो सकता है, हो सकता है कि आप इससे ज्यादा नुकसान भी हो जाए, तो ये सारी बातें ध्यान में रखकर आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ डेटा भी आप लोगों के सामने, देखिए होता क्या है बेसिकली, अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए, जैसे BS3 हो गया, यहाँ पर BS4 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये BS6 है जिसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, और 5 को हम लोगों ने यहाँ पर गैप कर दिया है। उसी के चलते अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर ये अलग अलग जो आप लोगों के सामने ये जो CO जैसे यहाँ पर बोल देते हैं कार्बन यहाँ पर मोनोऑक्साइड, इसी के साथ में HD हो गया, यहाँ पर ये हो गया हाइड्रोकार्बन, NOx हो गया, यहाँ पर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, और ये हो गया पार्टिकुलेट मैटर। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहे हैं, इसमें कम है, और फिर यहाँ पर और भी कम चीजें होती हुई जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये इससे फायदा तो होगा, पर लेकिन फायदे के साथ में कितना चीजें आप लोग टैकल कर पाएंगे वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पेट्रोल की बात की जा रही है और यहाँ पर ये बात की जा रही है डीजल की, तो काफी कॉस्टली भी यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन इसको करने अगर आप लोग करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो करना पड़ेगा वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑयल रिफाइनरी वगैरह पे फोकस देना पड़ेगा, ऑटो इंडस्ट्री पर फोकस देना पड़ेगा, और इसी के साथ में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टू एंड थ्री व्हीलर के ऊपर। अब यहाँ पर बात की जा रही है क्यों यहाँ पर जो BS6 लाने की बात की जा रही है, और ये जो BSS को बोलते हैं भारत स्टेज, तो ये भारत स्टेज जो 6 है यहाँ पर 2020 तक हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसी देखने को मिलेंगे वो अभी आगे निकल के आएंगे, क्योंकि बेसिकली बोला ये जा रहा है कि इसको इंप्लीमेंट करने से पार्टिकुलेट मैटर जो एमिशन है वो लगभग 51% के करीब ये डाउन एमिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि काफी फायदा देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है ये थोड़ा कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यहाँ पर यूज की जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। अभी रिसेंटली USA में यहाँ पर यह ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर यह बोला गया है, यहाँ पर एक रिसर्च पब्लिश की गई है, यहाँ पर यह यहाँ पर एक जर्नल जिसका नाम आप लोग याद रखते हैं जियोफिजिकल रिसर्च लेटर, इसमें बोला गया कि अर्थ पर जहां पर भी जो वाटर है यानी कि जो अर्थ से यहां पर वाटर जाता है जमीन से और वो जाकर ओशन से मिलता है, तो उन पॉइंट को यहाँ पर एक अलग से मैप बनाकर दर्शाया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे बेसिकली ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर किस किस पर्टिकुलर एरिया में जो पानी है, कितना पानी यहाँ पर बेसिकली जो जहाँ से अर्थ से ओशन में जाकर मिल रहा है उस बात का यहाँ पर पता लगा पाएंगे। ये माना जाता है कि 1/2 जो फ्रेश वाटर जो भी यहाँ पर आता है वो जाकर बाद में ओशन में गिर जाता है, यानी कि जैसे बारिश वगैरह होती है जो भी होता है वो बाद में जाकर ओशन में सारा पानी गिर जाता है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। रीजन है जो यहाँ पर ये इस तरीके की जो एक्टिविटी देखने को मिलती है, आप लोगों ने यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीजें ज्योग्राफी में पड़ी होगी कि कितना फ्रेश वाटर है, कितना ये सालिन वाटर है, इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। ये इस तरीके से जो अगर यहाँ पर एक ऐसा मैप निकल कर आता है तो कहीं ना कहीं खासकर जो कोस्टल एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, कितना तरीके से वहां पर चीजें बेटर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, मॉनिटर किया जा सके कितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है और कहीं ना कहीं इससे ओशन का लेवल कितना बढ़ सकता है वो भी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग ध्यान रख पाएंगे। कोस्टल एरिया की जो कम्युनिटी है बेसिकली जो कोस्टल एरिया में रहती है या फिर आप लोग बोलिए आइलैंड पर रहते हैं जो लोग, उनके बारे में सोचकर यहां पर ऐसी एक्टिविटी की जा रही है ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके कि कितना वाटर लेवल यहां पर बढ़ रहा है और कितना पानी यहां पर जा रहा है या फिर कुछ और भी उसका यूज किया जा सकता है ताकि इसको रोका जा सके। बारिश का पानी मैक्सिमम आप लोग देखते हैं जाकर बाद में ओशन में गिर जाता है। ओके, तो हल्का सा आइडिया रखते हैं। आज का जो नेशनल पार्क है आप लोगों के सामने ये है ओरैंग नेशनल पार्क। ओरैंग नेशनल पार्क ये इसको राजीव गांधी ओरैंग नेशनल पार्क के नाम से ही पुकारा जाता है, आसाम में देखने को मिलता है।
1985 में स्टेब्लिश किया गया था ये यहाँ पर इसको एज ए सेंचुरी, और बाद में चल के अप्रैल 1999 में इसको नेशनल पार्क के तौर पर स्टेब्लिश कर दिया गया। तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। सबसे पहले बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस, ये यहाँ पर आप लोगों को जो अभी सेलिब्रेशन ये बेसिकली देखने को मिलता है, तो किसके द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया कि हाँ ये सेलिब्रेट हम लोगों को करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक फ्लाइंग कार के बारे में, तो जो इसका नाम रखा गया है इसका नाम है स्काई, तो ये यहाँ पर किसके द्वारा लॉन्च की गई है, कौन सी कंट्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया जो कि हाइड्रोजन पावर है। इंडिया और कौन सी कंट्री मिलकर लोथल में म्यूजियम बनाने की बात कर रहे हैं, खासकर ये नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम इसको बोला जा रहा है। एक बुद्धिस्ट साइट उत्तर प्रदेश में जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया अंडर जो यहाँ पर नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया गया है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक रिसर्च छपी थी रिसेंटली अभी, यह है जियोफिजिकल रिसर्च लेटर के अंदर, इसमें यह बोला गया है कि एक मैप बनाया जाएगा अलग से जिसमें यह देखने को मिलेगा ग्राउंड वाटर कहां पर मीट करता है ओशन के साथ में, तो इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि यह किस यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाने की बात की जा रही है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन, और संडे है अपना रिवीजन करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा। मिलता हूं मॉर्निंग में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।